Happy birthday, भैया. I'm planning to buy a new car. Go West Star. कितने साल के हो गया? I'm becoming, you know, actually मैं तो 50 हूँ लेकिन 30 50 हो गए 50 में लगे हो 50 लगे झूठ बोल रहा है लग गए 50 या 50 के हो गए I don't know मतलब 50 के हो गए बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो समझ गया सब चलो भाई हैप्पी बर्थडे भैया जो इंस्टा पे फोटो दिखते हैं आप लोगों को ऐसे खींचे जाते हैं एक एक लड़की मासूम पीछे और एक फुल एक्साइटेड वाली हाय गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड आज की जो वीडियो की शुरुआत हुई आपने देख लिया होगा थोड़ी पागलपंती चल रही है ऑफिस में बाकी इससे ही पहले कुछ चीजें हुई हैं कि जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो मैं थोड़ा आपको वो बताता हूँ रफ टफ सो आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार और पापा जी और मैं देखने गए थे तो पापा जी क्या टेक है आपका गाड़ी को लेकर देखो भाई गाड़ी देखी गाड़ी पसंद आई और हमारे पास ऐसा तो है नहीं भाई गाड़ी नहीं है गाड़ी तो है ही तो गाड़ी है तो भाई हम एंजॉय करेंगे गाड़ी की शॉपिंग का और एक महीना दो महीना 15 दिन 20 दिन जब भी अच्छी मिलेगी खड़ा तो अब अभी तो मतलब अभी कुछ फाइनल नहीं करना है अभी कोई फाइनल ऐसा मुझे लग नहीं रहा है तो हिंट देता हूँ कि अभी मैं सेडान ले रहा हूँ और अभी जो मैं चलाता हूँ क्रेटा है दैट इज एन एसयूवी तो वो स्विच करना क्योंकि एसयूवी एक थोड़ी रफ एंड टफ गाड़ी है बट जो मुझे गाड़ी पसंद आ रही है उसके ना लुक बहुत अच्छी लगी मुझे मतलब एक होता है कि जैसे किसी गाड़ी को आप देखते तो एकदम ऐसे आता है कि आहा क्या बात है अब कंफ्यूजन ये है कि मैं ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी अच्छी चलती है भागती है सब कुछ है और एक अच्छी कंडीशन में बट द डिफरेंस इज कि मैनुअल है मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए तो भी कंफ्यूजन ये है कि गाड़ी है मेरे पास कोई अर्जेंसी नहीं है कि मैं कल ही ले लूं फिर थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि अगर कभी वो भी ऑप्शन चला जाए क्योंकि हमको ये गाड़ी पसंद आई थी वो ऑप्शन जा चुका है मेरे पापा जी की बदौलत मैं बोलता रहा पापा जी चल लो पापा जी चले नहीं और प्रॉपर्टी कह रहा हूँ गाड़ी हाथ से निकल गई हमारे तो अभी कंफ्यूजन चल रहा है लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट मेरे को ना फिर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए 1% भी भाई वो ऑप्शन था पापा जी उस टाइम ली नहीं क्योंकि मन ठुक गया मेरे एक जगह बट मेरे ऐसे ने एकदम नहीं गया ले लो और बाकी मैं दिखाता हूँ पूरे दिन क्या क्या होता है आज घर में गया हूँ आज हमारे ऑफिस में हमारी मैम है जो उनका बर्थडे है इनकी भी जो पागलपंती होगी मैं आपको दिखाऊंगा हेलो मैम गुड मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे टू यू किस बात पे लड़ाई हो रही थी आपकी बिकॉज़ ही शो मी मनी मैन भैया ने सिर्फ ये बोला कि 625 रुपए का पास्ता है हम कुछ और महंगा ढूंढ रहे हैं ये गुस्सा करी कि मेरे को पैसे का रोब दिखाते हो ठीक है दिस इज माय बर्थडे मैन I need to eat something. I'm hungry, man. अभी अभी दो रोटी खाई है आपने इधर एक खाई है यार तो अभी प्लान ये है कि बरखा और भैया जा रहे हैं डोमिनोज का पिज्जा लेने मैं थोड़ा बिजी हूँ ये खा लिए दोनों तो जाओ ठीक है तेरी कौन सी बंदी भग्गी तुषार कौन सी बंदी भग्गी है ये मेरे से बर्थडे के दिन खुजली करा रहा है देखो कितना गंदा बच्चा है तो अभी बज चुके हैं 1:41 एंड फर्स्ट टाइम भाभी इधर आ गई अपना ऑफिस में और मम्मी जी भी आ चुकी हैं मम्मी जी एक बार पहले विजिट कर चुकी हैं तो एक बार उनसे मिलते हैं वेलकम भाभी जी वेलकम टू ऑफिस कैसे हो आप बढ़िया भाभी जी इधर आओ तो ये है मैम की सीट इधर जो सरप्राइज प्लान कर रहा था और इधर बैठते हैं अनिल भैया ये करेंगे कोई फायदा नहीं वाला आने का फोटो वोटो सेशन चलेगा और कुछ नहीं इधर बैठते हैं सारे जितने जिनका काम होता है ये है तुषार ये आपका हो गया क्लाइंट्स का वेटिंग एरिया इस साइड पूरा इस टेबल पे इधर अमन बैठता है मैं बैठता हूँ इधर सही है हेलो 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 वेलकम वेलकम हुरे नूर आइए बैठिए This is your birthday.
अच्छा करण भी आ गया, वो दीवार ना दिखे पीछे की। डोंट टेल मी यू आर मेकिंग वीडियो मैन, आई डोंट वांट टू शो देम एक्चुअली यू नो प्लंबर इज नॉट कमिंग। सो प्लंबर इज नॉट कमिंग, सो सॉरी कारपेंटर, सॉरी यू वुमेन। Winter is not coming. Aja bhai. Happy birthday to you. चलो भाई अब खाना स्टार्ट कर दो सारे के सारे। भाई बहुत सारे पिज्जा आए हुए हैं, एक की तो ये भी फट गई ग्रिप, नीचे पिज्जा अभी गरम गरम है, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। आज गुड़गांव में बारिश हो गई है बहुत बढ़िया, और बर्थडे पार्टी वगैरह सारी हो गई थी सही, पिज्जा विज्जा खा के। और जैसे मैं ऑफिस से नीचे उतरा मैंने अपनी गाड़ी को देखा, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना मतलब डिसीजन कई चीज़ों में बहुत जल्दी नहीं ले पाता हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ उस चीज़ को, बट जैसे इस गाड़ी को सोच रहा हूँ कि कल को ये जा भी सकती है तो देने का मन नहीं करता, फिर ना थोड़ी कंफ्यूजन है यार पता है, मतलब मेरे ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखो कितनी सुंदर लग रही गाड़ी, तो मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब ये भी हो सकता है कि कल सुबह ना ये गाड़ी मतलब चली जाए और नई वाली गाड़ी आ जाए, बट अभी के लिए मैं कंफ्यूज हूँ। लेट्स सी, अभी चलते हैं घर की तरफ अपने, एंड बताता हूँ आगे क्या क्या अपडेट होती है। और भाभी कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो जैसे मैं गेट के पास गया मतलब गेट बंद करने के लिए, इतने में भाभी ने मेरा हाथ खींचा और कह रहे चलो आप भी चलो साथ में, तो ये दोनों मेरे को फोर्स करके कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, और अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो देखते हैं कहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत चिल वगैरह करते हैं, अगर ऐसा लगा कि मतलब कि कुछ है चीज़ दिखाने लायक तब मैं दिखा दूंगा, नहीं तो गुड नाइट।